मॉम की रिंग चोरी हो गई। ये नोबिता बीना। नोबिता, अपनी चीजें तुम उनकी जगह पर क्यों नहीं रखते? जल्दी से नीचे आओ। हाँ मॉम। माफ करना, मैं भी ये सब साफ करने ही वाला था। जो चीज जहाँ रहते हो उसे वहीं रखा करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम ये सब करते हो। ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनना। क्या ये मेरे बचपन की फोटो एल्बम है? हाँ, ये आपके बचपन की फोटो एल्बम है मॉम, मुझे स्टोर रूम के कोने में मिली। अरे वाह, जरा इन फोटोज को तो देखो, बचपन में मैं कितनी प्यारी लगती थी। हाँ, अब आप उतनी क्यूट नहीं रही मॉम। कितना अच्छा लग रहा है, मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। किसके बारे में मॉम? देखो जरा इस फोटो को देखो। नानी जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना? जरा उनके हाथों की तरफ देखो। हाँ, मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। डायमंड रिंग थी। क्या कहा, डायमंड? वो भी इतना बड़ा? मुझे देखने दीजिए। ये डायमंड रिंग बड़ी होने पर मुझे मिलने वाली थी और मुझे यकीन है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा होगी। हाँ? हाँ, आज अगर वो रिंग मेरे पास होती तो हम इस घर को नया बना सकते थे। बहुत सारी गेम्स, रेडियो कंट्रोल टॉयज, कार्ड्स और जो भी मैं चाहूँ। हाँ, पर अगर वो रिंग होती तो। क्या कहा मॉम, आपके पास रिंग नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मॉम ऐसा थोड़ी होता है। ये मेरी गलती नहीं है, समझे तुम दोनों? चुप हो जाओ। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। उस दिन मैं 7 साल की हुई थी। अचानक 2 अजनबी आदमी हमारे घर में घुस आए और अरे नहीं, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। चोर गलत काम ही करते हैं नोबिता। अगर मैं वहाँ पर होता तो उन्हें घर से भगा देता। हम ये काम अब भी कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, टाइम मशीन की मदद से। डोरेमोन, चलो चलते हैं। मुझे लगता है वो यही कहीं होंगे। तो चलो ठीक है डोरेमोन, उन्हें ढूंढते हैं। अरे ये क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? हाँ? माम पहले कितनी खूबसूरत थी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो उनका हाँ। अच्छा करते हैं। हाँ? लगता है मॉम को अभी तक चश्मा नहीं लगा। मॉम को नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अब हम क्या करें? मुझे पूरा यकीन है कि वो रिंग घर के अंदर ही है। मेरे ख्याल से चोर भी बस आने ही वाले होंगे। मुझे तो शायद यही घर लगता है। सही कहा, चलो अंदर चलते हैं। हेलो, हम भी कबाया सेक शॉप से आए हैं। आती हूँ, क्या मुझे एक शरबत की बोतल मिल सकती है? ओ, क्या तुम दुकान में नए आए हो? ए, अरे मैम, हम बहुत पुराने हैं और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये तो चोर नहीं लगते डोरेमोन। थैंक यू मैम। अगर हम डायमंड रिंग के आसपास रहें तो कैसा रहेगा, बस हम पकड़े ना जाएं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें रिंग की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। कि हम चोरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। तामा को। अरे मुझे समझ नहीं आता, तुम अपनी चीजें सही जगह पर क्यों नहीं रखती हो? मैं बस अभी इसे साफ करने ही वाली थी, I'm sorry। जो जहाँ था उसे वहाँ वापस रख दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम कोई काम ढंग से नहीं करती। ये बातें तो सुनी सुनी सी लग रही है। बिल्कुल सही, हम रिंग को ढूंढते हैं, चलो।
मेरे ख्याल से रिंग इनमें से किसी एक ड्रॉअर में होनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। चली।
होगा? पता नहीं। इसे मैं लूंगा। नहीं नहीं रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं ले सकता, बोलो। इस बॉक्स के अंदर कोई है डोरेमोन? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये क्या? ये तो जियान का डॉगी मूको है। हाँ, लेकिन तुम इसे ले सकते हो। क्या कहा तुमने? ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है और इसके साथ मुझे कुछ खास मजा भी नहीं आता है। जियान, ये बहुत गलत बात है। अगर तुम लोगों ने इसे ढूंढा है तो ये तुम्हारा फर्ज है कि इसे संभालो। जियान, वो हमेशा परेशान करता है, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है ना? क्या इसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मेरे पास एक आइडिया है, हम इसे इंसानों की बात मानने के लिए ट्रेन करेंगे। पर कैसे? ओबीडियंस कैप। अगर ये वाली कैप तुम पहनो और दूसरी कैप इसे पहना दो तो तुम इससे अपनी बात मनवा सकते हो। अब ये बिल्कुल वही करेगा जो तुम इससे कहोगे नोबिता। अच्छा, खड़े हो जाओ। चलो अब जल्दी से घूमो घर की तरफ। भूल गए, इसके पास तो घर ही नहीं है। सही कहा, सही कहा। पता है मूको और भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे ये तो बोलता भी है। हाँ बिल्कुल, और ये भी मेरे गैजेट का ही कमाल है। हाँ, जियान मुझे कभी म्याऊ करने को कहता है, कभी मुझे जोक सुनाने को कहता है। उसे पता नहीं कि मैं डॉग हूँ। डॉग भला म्याऊ कैसे कर सकता है? डॉग कभी जोक नहीं सुना सकता। क्या बताऊँ जियान की, वो पता नहीं खुद को क्या समझता है। मुझसे प्यार से बात भी करता है क्या? इसने ये सब जियान से ही सीखा है। वो मुझे चाउमीन भी नहीं खिलाता है और डॉग फूड भी नहीं खिलाता है। कम से कम हफ्ते में एक बार तो खिला दे। पर सच बात तो ये है कि वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ है। उस वक्त वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे मुक्कू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सारी गलती जियान की है। सही कहा डोरेमोन। तो ठीक है, मैं जाकर उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। हाँ, तुम्हें बिल्कुल यही करना चाहिए। चलो चले मुक्कू। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना। वैसे सच कहूँ ये कैप बहुत दिलचस्प है, क्यों ना मैं इसे किसी और जानवर पर इस्तेमाल करूँ। डॉग या कैट तो बहुत है, बोरिंग है और आसान है, क्यों ना मैं इसे इस्तेमाल करूँ एक लायन पे। हाय दोस्तों। अरे नोबिता, तुम यहाँ पर? सुनो शिज़ुका, जरूरी बात है। क्या तुमने ज़ू से भागे हुए लायन की कोई न्यूज़ सुनी है? क्या कहा लायन? मैंने तो नहीं सुनी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मैंने बस सोचा कि तुम सही कह रहे हो। सुनियो, यहाँ लायन कैसे हो सकता है? लायन तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, क्यों? सही कहा ना? अरे ये क्या? अरे अच्छा, ओबीडियन कैप। हाथ मिलाओ। मैंने कर दिखाया। घूमो बहुत तेज, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो। अब बैठ जाओ। तो बोलो कुछ और कराओ इसे। तुम लोग चौंक गए क्या? अब मैं लायन के साथ लड़ाई करूंगा। सुनो लायन, तुम्हें हारना है, ठीक है? मैं समझ गया। तो दोस्तों, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या बात है, ये तो बिल्कुल एक असली लायन लग रहा है। असली तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये एक असली लायन है। देखो इस लायन के कान भी असली है। अरे ये क्या? शुक्र है बच गए। अरे ये क्या, तो बदल गई।
हाथ मिलाओ, अब तुम वही करोगे जब मैं चाहता हूँ, समझ गए? मुझे लगता है मॉम इसमें मेरी मदद कर सकती है। मैं घर आ गया। अच्छा ठीक है। अरे तुम किसी कॉस्ट्यूम पार्टी की तैयारी कर रहे हो या स्कूल में कुछ है? नहीं मॉम, ये सच का लाइन है। फालतू की बातें करना बंद करो। अरे क्या तुम्हें कॉमिक्स पसंद है या गेम खेलते हो? इस वक्त तो मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मॉम, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम कब से जियान को ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार फिर ढूंढते हैं। अरे डोरेमोन जरा रुको। तुम इतने सारे खाने का क्या करोगे? वापस रखो। आपके लिए क्या जरूरी है खाना या मैं? अरे क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? ये सब खाने के बाद तो मेरी भूख और बढ़ गई है। पर खाने के लिए कुछ भी नहीं। टेस्टी लग रहे नहीं भागूंगा। अच्छा जल्दी से किचन में जाओ और मेरे लिए बटर लेकर आओ। जी अभी लाया। मुझे लग ही रहा था कि किसी चीज की कमी है। क्या मतलब? जल्दी से जाओ और केचप लेकर आओ। मैं चाहूँ तो भी नहीं भाग सकता, अब क्या करूँ? शॉपिंग करने के लिए शुक्रिया। इतनी सारी केचप की बॉटल्स का तुम क्या करोगे बताओ? मैं सारी की सारी खाऊंगा। तो अब मैं क्या करूं? घर पास आ रहा है, अगर घर वापस चला गया तो। अरे नहीं। अरे नोबिता सुनो। हे सुनो, देखो मुझे कोई फिक्र नहीं है पर मुकू कैसा है? जवाब दो मुझे नोबिता, ये कैसी कैप पहन रखी है तुमने? जियान, जियान जरा रुको, मेरी बात सुनो। जियान नोबिता, तुमने धक्का क्यों मारा? नहीं जियान, मैं तुम्हें समझाता हूँ। साथ रहेंगे ठीक है ना? बस भी करो, मुझे गुदगुदी हो रही है।